ले रहे हैं सीटेट का, तो डे टू डे कंटिन्यू जो है क्लासेस होंगी, और कुछ जो है व्यस्तता के कारण खाली नहीं रह रहा है आदमी, सिर्फ जो है डेली पढ़ाने चल जा रहा है। मॉर्निंग टाइम, स्कूल टाइम, वेरियस जो है गवर्नमेंट स्कूल में सबका जो है दिया है, जो भी प्रशिक्षु हैं, तो हम लोग का भी जो है 6:30 से 11:30, और उसके बाद जो आते आते टाइमिंग 1-2, फिर रेस्ट, इसलिए खाली रह गया है। तो आगे कंटिन्यू क्लास होगा, फिलहाल 29 मई से 2 जून तक सुधार करा लें, अगर इनका भी फॉर्म इरर है। चलिए सवालों को देखते हैं। मेरा जो सवाल रहता है ओवरऑल, बहुत सारे कई प्रश्नों का समावेश रहता है, कारण कि एक सवाल हल कर लेंगे तो 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन उस पर भी बेस्ट कर लेंगे, एक नंबर तो पक्का रहता है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग सहजीवी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं 5, 5, 6, 7 दिए हैं, तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसकी हम पहचान करेंगे। फर्स्ट है कि सहजीवी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट है कि जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें क्या है, पारासाइट्स कहते हैं, सहजीवी, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना और बिना किसी नुकसान के। जैसे भैंस पर देखते होंगे बगुले को बैठना, तो ये क्या है, बगुले जो है कीड़े मकोड़े को जो भी भैंस पे है खाते हैं, तो इससे क्या है, भैंस को आराम मिलती है, जो उसे काट रहा है तो लाभ पहुंचती है और बगुले का भी भोजन हो जाता है, तो ये क्या है, सहजीवी का संबंध दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है कि वह क्या है, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। दोनों पॉइंट सही है और हमें क्या है, सही विकल्प का ही चयन करना है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही, 3 पॉइंट सही है। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। अब जो विभिन्न सारे पौधे हैं उन पर यह सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम जो है सहजीवी जीव के उदाहरण है, जो कि क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं और बिना किसी नुकसान के, मोटा मोटी समझिए, जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं बिना किसी परेशानी के, तो वो क्या है, सहजीवी है, एक परजीवी होता है, अपोजिट समझिए। दूसरा है कि, और इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल, अलगी और फफूंदी जो है सहजीविता के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो 5 ऑप्शन दिए हैं और लगभग यहाँ तक सही है। नेक्स्ट है कि सभी सही हैं, और नेक्स्ट है क्या, 2, 4, 1 गलत हैं। तो देखिए गलत जैसे ये पूछ रहा है 2, 4 और 1, तो 2, 4, 1 में है कि जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीविता, पैरासाइट्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहता है, तो मतलब गलत तो है नहीं कोई भी इसमें। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑल राउंड सभी सही है, ठीक है, जितने भी हैं, तो गलत तो एक भी नहीं है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं, तो इसका सही आंसर 6 होगा, 6 में ये सभी सही है, ठीक है, ऑल सही जितने भी हैं। फिर से चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं बिना किसी देरी के। सहजीवी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है।
जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को क्या है लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी पारासाइट्स कहते हैं। और इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहा जाता है। पौधों का यह गुण सहजीवता कहलाता है। और मटर का पौधा राइजोबियम क्या है उसके उदाहरण है। लाइकेन शैवाल अलगे जो है इसके उदाहरण है। और क्या है ओवरऑल देखा जाए तो सभी सही हैं। तो यही सारी बातें थी जो कि आपको बताने थी, विशेष कुछ नहीं। और आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा से करें और रिवीजन करें बार बार जो भी चीज़ें हैं। नहीं आए तो कमेंट के पूछें बेहिचक और सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा भाई संतोष सर के द्वारा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू और डू द बेस्ट एंड प्रिपरेशन हैव एनी क्री प्लीज राइट। और करेक्शन 2 जून तक करा सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी समय निकाल कर, क्योंकि इधर सिर्फ आप जा नहीं सकते हैं। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम विद्यालय अनुभव कार्यक्रम का जो है दिया जाता है फर्स्ट ईयर में आपको 4 वीक का। तो वहीं हम लोग का जो है 22 मई से स्टार्ट है और 2 जून तक। अभी बीच में समर वेकेशन भी आने वाला है तो समर कैंप में भी फिर पढ़ाना है 1 जून से 30 जून तक खाली। तो काफ़ी जो है इसमें टाइमिंग अभी जो है हम लोग बिजी है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सारी जो है चीज़ें वेस्ट दी जाएगी समय समय पर। और अपना जो भी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।